जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ चुके थे, तो आज इस एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले एक्सरसाइज के ही प्रॉब्लम को बनाएंगे, जो कि आपके बुक आर एस अग्रवाल का है, और इसके हर एक प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों को मैं यह एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊँगा। इट मीन्स इस एक्सरसाइज का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 1H को। और हो सकता है कि आपके बुक में एक्सरसाइज का कुछ और भी नाम हो, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्वेश्चन आपका यही सब मिलने वाला है अगर आप आर एस अग्रवाल बुक से बनाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x प्लस वाई इफ़ द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे पूर्व के ज्ञान हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज हैं, जिसका उपयोग इसमें किया जाता है। जैसा कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट कहने का मतलब कि स्लोप ऑफ ए लाइन होता है, जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कह रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x प्लस वाई, तो ग्रेडियंट यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, ग्रेडियंट को डिनोट करता है। और यह जो वैल्यू है 2y प्लस एक्स है इसका ग्रेडियंट। तो इस स्थिति में हमको इक्वेशन निकालना है, तो सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यही आपको इक्वेशन दे देगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स। तो यह जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 2dx, जो कि आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, e टू द पावर माइनस 2x इंटू वाई, और अगला स्टेप इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x इंटू यह आपका x आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भूले नहीं होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो अब ये हम क्या देख रहे हैं कि y इंटू ई टू द पावर माइनस 2x मिल गया, यहाँ जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा। इसमें हमारा पहला फंक्शन x हो जाएगा और दूसरा फंक्शन जो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x dx हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे। अब फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x को और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं e टू द पावर माइनस 2x dx को, और फिर इस टोटल को इंटीग्रांट समझ के फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरह से y e टू द पावर माइनस 2x मिल जाता है और यहाँ पर x हो गया, और e टू द पावर माइनस 2x बाय 2 इसका इंटीग्रेशन। अब फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x बाय 2 लिख सकते हैं, और यह dx। फिर इसके बाद y e टू द पावर माइनस 2x लिखिए, यह x बाय 2 e टू द पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसका इंटीग्रेशन आप देखिए, e टू द पावर, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, तो इसके पहले हम माइनस डाल देते हैं, और ये माइनस यहाँ पर आपका प्लस 1/2 हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, e टू द पावर माइनस 2x बाय माइनस 2 लिखेंगे और प्लस c लिख देंगे, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू माइनस x बाई 2 e टू द पावर माइनस 2x।
माइनस वन बाय फोर ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी इस तरह से लिख सकते हैं। और फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि यह आपका वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू मिलता है, फिर माइनस वन बाय फोर मिलता है, अब फिर सी पर पावर जो है ई टू द पावर टू एक्स हो जाता है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व और भी कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ आपका एलसीएम फोर हो जाएगा, माइनस एक्स टू एक्स माइनस वन प्लस फोर सी ई टू द पावर टू एक्स इसको लिख सकते हैं। और फाइनली जो है हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फोर वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस फोर सी ई टू द पावर टू एक्स, और इसी को आप लिख सकते हैं फोर वाई प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू सी वन इंटू ई टू द पावर टू एक्स। यहाँ पर सी वन का जो वैल्यू है आपका फोर सी के बराबर है, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व हुज ग्रेडियंट एट एक्स वाई इज वाई बाई टू एक्स एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए और टू ए, और यह पॉइंट जो है ए और टू ए से होकर गुजरती है। तो सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स होता है जो कि आपका वाई बाई टू एक्स दिया गया है, और इसके बाद डी वाई बाई वाई लिखिए और यह डी एक्स बाई टू एक्स लिख दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह डी वाई बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई टू एक्स होता है, और यह इंटीग्रेशन आपका लॉग वाई इक्वल टू टू इंटू वन बाई टू इंटू लॉग एक्स आप लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर सी वन डालते जाइए। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह आपका लॉग वाई तो हो ही गया, यहाँ पर हाफ है तो यह लॉग एक्स रूट एक्स हो जाएगा अब प्लस सी वन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि यह जो है लाइन है ना, ये इक्वेशन जो है, यह इक्वेशन है आपका किसी लाइन का और यह सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लाइन जो है गुजरती है आपका पॉइंट ए और टू ए से होकर, तो ए के जगह एक्स के जगह पे ए रख दीजिए और वाई के जगह पे टू ए रख दीजिए, तो लॉग टू ए और इक्वल टू लॉग रूट ए हो गया आपका अब प्लस सी वन हो गया। इससे सी वन का वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग टू ए बाय रूट ए लिख सकते हैं इक्वल टू आपका सी वन हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लें तो लॉग यह आपका टू रूट ए मिल जाता है इक्वल टू सी वन। अब इस सी वन का जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देंगे, तो चलिए रखते हैं इसको, ये आपका हो जाता है लॉग वाई इक्वल टू लॉग रूट एक्स हो जाता है अब प्लस सी वन के जगह पर लॉग टू रूट ए हो जाता है आपका, इसलिए वाई इक्वल टू लॉग है ना रूट एक्स इंटू टू इंटू रूट ए हो गया आपका। अब दोनों साइड से लॉग तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, तो वाई इक्वल टू टू रूट ए एक्स हो जाता है। अगर स्क्वायरिंग कर दें इसको है ना, स्क्वायरिंग कर दें हम लोग तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स मिल जाता है, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज स्लोप एट एक्स वाई इज वाई बाय एक्स स्क्वायर। तो स्लोप इस कर्व का दिया गया है, तो इसका मतलब वही हुआ कि डी वाई बाय डी एक्स आपका इसका ग्रेडियंट दिया गया है, और यह चीज़ जो दिया गया है आपका वाई बाय एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इससे जो हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको इक्वेशन मिलता है, और यह इक्वेशन जो है किसी लाइन का इक्वेशन है, और ये चीज़ जो है पास होता है वन और थ्री से,
तो यह चीज़ जो आपका पॉइंट दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन को पर्टिकुलर करने में मदद करता है। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल है तो इसको डी वाई बाय वाई लिखिए और डी एक्स बाय एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो लॉग वाई लिखेंगे हम लोग, और वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स होता है, अब प्लस सी लिख दीजिए, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये लाइन का इक्वेशन है जो कि 1, 3 से होकर गुजरती है, तो निश्चित रूप से यह जो इक्वेशन है यानी कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट 1 और 3, 1, 3 से यह सेटिस्फाइड होता है। तो इसलिए हम लोग लॉग वाई के जगह पे 3 रख सकते हैं, माइनस 1 बाय 1 हो गया, अब प्लस सी हो गया, तो इस तरह से सी का जो वैल्यू मिल गया आपका लॉग 3 प्लस 1 आपको मिल जाता है। अब क्या करना है कि यह जो जनरल सॉल्यूशन आपको मिला है इसमें सी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये आपको दे देता है लॉग वाई इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स प्लस लॉग 3 प्लस 1 दे देता है। अब इसी चीज़ को हम लोग इसको और इसको मिला के लॉग वाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग वाई है यहाँ पर और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो लॉग माइनस 3 हो जाएगा, माइनस लॉग 3 हो जाएगा, और इसी चीज़ को लॉग वाई बाय 3 लिख सकते हैं, ये लॉगरिथम का एक रूल है। तो माइनस 1 बाय एक्स प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ से अगर लॉग को हम हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, तो राइट साइड में जो है y बाय 3 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम लोग y अगर लिखें तो y इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है जिसका नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए इसका सिचुएशन किस तरह का है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक आपका कर्व है और इसमें जो है नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा जो है यह ओरिजिन से होकर ही गुजरती है। अब टेंजेंट और नॉर्मल में आप लोग पढ़े होंगे कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स होता है। क्लियर है? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप और यह नॉर्मल का स्लोप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इसका वैल्यू m है, इसका वैल्यू m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। उसी हिसाब से इसका स्लोप हमारा माइनस 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, कोई भी जनरल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन यह जो लाइन है बट इट पासेस थ्रू ओरिजिन, यह जो है आपका ओरिजिन से होकर गुजरती है, तो इसके इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं। और यह जो स्लोप है आपका टेंजेंट का, यही है आपका स्लोप टेंजेंट का, तो यह y इक्वल टू माइनस 1 बाय dy बाय dx इंटू एक्स हो जाएगा आपका। अब देखा जाए कि इसको जो है dy बाय dx ले जाइए, इधर ले जाइए, इंटू हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स बच जाता है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं y dy इक्वल टू माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिलता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2y² बाय 2 प्लस c1 मिल जाता है। और फाइनली इसी को हम लोग लिख सकते हैं y² बाय 2 प्लस x² बाय 2, है ना, लेफ्ट साइड में ले आए तो
तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी वन हो गया। और इसी चीज़ को ऐसे लिखिए ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी वन लिखेंगे, या टू सी वन के बदले में हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ c का स्क्वायर भी रख सकते हैं हम सहूलियत के लिए। यानी कि हमको ये समझ में आ जाए कि यह जो है आपका किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल के ही इक्वेशन में ऐसा संभव है कि आपका जितना भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, जितना भी नॉर्मल दिया किया जाए, तो यह आपका सेंटर से होके गुजरे। तो फाइनली हम देख रहे हैं जो भी हमारा सॉल्यूशन आया हुआ है, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 2c1 को c स्क्वायर के बराबर मान लिया है, क्योंकि यह आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कहने का मतलब आपके मन का कांस्टेंट। तो हमको जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम वैसा क्वेश्चन रख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं इसको, तो आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, इस पर एकदम 100% फैत रखिए। क्योंकि किताब में जो भी आंसर दिया है वो तो सबको याद है नहीं, जो हमारा आंसर आया वही सही है, जो हमारा सॉल्यूशन आया वही सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो 5 में जैसा कि कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द टेंजेंट बाय ए टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आइए इसको समझते हैं हम लोग। ये क्या कहता है कि यहाँ जो कर्व है हमारा, यहाँ जो कर्व हमको दिया गया है, ये कर्व इसके किसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और टेंजेंट जब ड्रॉ किए तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर है? अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, और किसका दिया गया है, ये आपका टेंजेंट का दिया गया है। किस, और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आपका एक्स वाई दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आपको यह जो एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है यह किसके बराबर है, यह है आपका 4 टाइम्स ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो भी पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट हम वाई को जो है ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स इक्वल टू 4y आपका दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा समस्या है कि एक्स इंटरसेप्ट हम लोग निकालें, इंटरसेप्ट हम लोग प्राप्त करें। तो इसको प्राप्त करने के लिए तो टेंजेंट का हमको इक्वेशन चाहिए। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस वाई है ना, एक जनरल पॉइंट आप एक्स वाई ले लीजिए, इस पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लीजिए, और ये एक पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई जीरो रख दीजिए, अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जीरो रख दीजिए। तो वही चीज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे वाई इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई है, डी एक्स चला जाएगा ऊपर, डी वाई आ गया नीचे, इक्वल टू एक्स माइनस एक्स हो गया आपका। इसके बाद यह एक्स को लेफ्ट साइड में लेते जाइए, माइनस वाई डी एक्स बाय डी वाई हो जाता है, अब प्लस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स। तो यही, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है माइनस वाई डी एक्स बाय डी वाई अब प्लस एक्स, और इस एक्स को हम लोग चूँकि एक्स इंटरसेप्ट हैं ये, तो एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग 4y लिख सकते हैं। तो चलिए 4y लिख दिए। अब इसको जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं, डी एक्स बाय डी वाई हो गया,
अब प्लस एक्स बाय माइनस वाई हो गया, माइनस वाई से इसको भी डिवाइड कर दिए, यह फोर बाय माइनस वाई, फोर वाई बाय माइनस वाई हो गया। तो इस तरह से आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला डी एक्स बाय डी वाई, अब फिर उसके बाद माइनस एक्स बाय वाई, क्लियर है, और उसके बाद यह आपको मिलता है माइनस फोर मिलता है। ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए इस होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसीडर करना होगा एक्स इक्वल टू वाई इंटू बी कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली हम वाई इक्वल टू एक्स भी करते हैं तो ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एक्स को जो डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे, अब भी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, अब फिर प्लस लिखेंगे, भी को कॉन्स्टेंट रखेंगे, वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहां डी एक्स बाय डी वाई के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू डी भी बाय डी वाई लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, अब फिर ये माइनस एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई का वैल्यू भी हो जाएगा, तो माइनस भी इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर हम लोग लिख दिए, ये भी आपका कट गया, और इसी चीज़ को वाई बाय डी वाई इक्वल टू माइनस फोर बाय डी भी आप लिख सकते हैं, और यह डी वाई बाय वाई लिख दीजिए इसका रेसिप्रोकल, डी भी बाय माइनस फोर लिख दीजिए, और इस दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह लॉग क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, और इस यह इक्वल टू माइनस वन बाय फोर भी हो जाएगा, अब प्लस सी वन यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। अब जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग कांस्टेंट को चेंज भी कर सकते हैं, तो इस यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं, जैसे ये भी का वैल्यू रख देते हैं एक्स बाय वाई रख देते हैं, भी का वैल्यू जो है आपका एक्स बाय वाई मिलता है, इसको रख देते हैं, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कुछ और कह रहा है, तो एक काम करते हैं फोर को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो फोर लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस भी, यानी कि माइनस एक्स बाय वाई, अब फिर प्लस फोर सी वन, फोर इसके साथ भी आ जाएगा, और इस चीज़ को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, और यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग वाई पर पावर फोर इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में माइनस लॉग प्लस लॉग सी लिख दिए, और सी का जो वैल्यू है यह आपका लॉग सी जो है हम लोग मान लिए हैं माइनस लॉग सी को फोर सी वन के बराबर, तो फोर सी वन के स्थान पर माइनस लॉग सी रखते हैं और इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो यह प्लस में हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई हो जाता है आपका। अब देखिए y पर पावर 4 इंटू सी, और इसके साथ आपका log है इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई हो गया, तो फाइनली हम लोग c इंटू वाई पर पावर 4 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स बाय वाई लिख सकते हैं। संभवतः यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्या कह रहा है कि एन इक्वेशन Relating to the stability of an aeroplane is given by, ये इक्वेशन दिया गया है आपका डी वी बाय डी टी इक्वल टू जी कॉस अल्फा माइनस के वी, वेयर बी इज द वेलोसिटी एंड जी अल्फा के आर कॉन्स्टेंट, फाइंड एंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी इफ वी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि जब यह इनिशियली चलना प्रारंभ करता है, जब टाइम जीरो था तो उस समय इसका वेलोसिटी भी जीरो था, तो ये हमको मदद करेगी इसको पर्टिकुलर करने में, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने में, क्योंकि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जैसा कि इक्वेशन दिया गया है तो सिंपल ये समझ लेना चाहिए कि इसको हम लोग को, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हम लोग को सॉल्यूशन सबसे पहले निकालना है, अब फिर उसके बाद इसको पुट करना है। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, अब इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो के भी इक्वल टू जी कॉस अल्फा आपको मिल जाता है। तो यह जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि ई टू दी पावर इंटीग्रेशन के डी टी होता है,
और यह आपको मिल जाता है e टू दी पावर के टी मिल जाता है। तो e टू दी पावर के टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो यह आपका द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आपका इससे क्या मिलता है आपको e टू दी पावर के टी इंटू e टू दी पावर के टी इंटू भी मिलता है और राइट साइड में इंटीग्रल मिल जाता है आपका g cos अल्फा इंटू e टू दी पावर के टी का। तो e टू दी पावर के टी को रहने दीजिए, v को भी रहने दीजिए और यहाँ g cos अल्फा इंटू e टू दी पावर के टी को अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं तो e टू दी पावर के टी बाय के आपको मिल जाता है। अब प्लस c एक कांस्टेंट भी मिल जाता है और यहाँ पर हमको कंडीशन दिया गया है कि इनिशियली v इक्वल टू जीरो व्हेन t इक्वल टू जीरो। तो v का वैल्यू जीरो रखने से लेफ्ट साइड में यहाँ जीरो हो जाता है, यहाँ t का वैल्यू जीरो रखने से देख सकते हैं g cos अल्फा बाय k बचता है क्योंकि e पर पावर जीरो आता है, e पर पावर जीरो आता है जिसका वैल्यू कि वन होता है, वन होता है प्लस c1 हो गया। तो इस तरह से c1 का जो वैल्यू हमको मिला माइनस g cos अल्फा बाय के मिल जाता है, माइनस जी कॉस अल्फा बाय के मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि यह जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, इसमें आपको सी का वैल्यू, सी वन का वैल्यू रख देना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा ई टू दी पावर के टी इंटू भी इक्वल टू जी कॉस अल्फा ई टू दी पावर के टी बाय के आता है माइनस सी वन का वैल्यू जी कॉस अल्फा बाय के हो जाता है आपका। अगर यहाँ पर हम जी कॉस अल्फा बाय के को कॉमन ले लें, है ना, इसको कॉमन ले लें तो हमको मिल जाता है यहाँ पर e टू दी पावर के टी माइनस वन मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं क्या कि e टू दी पावर के टी इंटू भी आपको मिला हुआ है। अब e टू दी पावर के टी को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस पर विचार कीजिए। तो यह g cos अल्फा बटे k रहने देते हैं और e टू दी पावर के टी को हम अंदर डाल देते हैं, e टू दी पावर के टी माइनस वन बाय e टू दी पावर के टी इस तरह से लिख सकते हैं हम। यहाँ तो कट के आपका वन हो गया और इसको e टू दी पावर माइनस के टी तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो माइनस पावर में देगा और g cos अल्फा बाय k हो गया आपका यह, और यह जो है v के बराबर। तो इस तरह से ये हमारा जो है क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसमें दिया गया है एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, है ना, दिस दिया गया है आफ्टर टी सेकेंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू वन बाई थ्री सो दैट इट विल बी जीरो एट टी इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कहने का मतलब फिजिक्स में आपको याद होगा कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यह एक्सीलरेशन आपका 10-60 दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको इनिशियली दे दिया गया है कि वेलोसिटी इसका जीरो होता है, वेलोसिटी इसका जीरो होता है जब टाइम 1/3 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है कि सबसे पहले इसको तो हम लोग सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके इसका वेलोसिटी निकालें, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी हमको मिल जाएगा। तो यह डी भी इक्वल टू 10-60 और यह आपका डी टी हो जाता है और इसका जो इंटीग्रेशन है आपका क्या हो गया, भी हो गया, ये इंटीग्रेशन 10t हो गया, माइनस 6t स्क्वायर बाय 2 अब प्लस सी मिल गया, ये 3 बार में आपका कट गया। तो भी इक्वल टू 10t माइनस 3t का स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी इसका जीरो रहता है कब, जब t इक्वल टू 1/3 रहता है। तो वेलोसिटी के जगह पे जीरो रख दीजिए और t के जगह पर 1/3 रख दीजिए, माइनस 3 इंटू टी का स्क्वायर यानी 1/9 प्लस सी,
तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 10/3 - 1/3 + c, और यह आपका एलसीएम हो गया 3, है ना, एलसीएम हो गया आपका 3, 10 - 1 9/3 + c = 0। तो फाइनली c का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। अब इस -3 को यहाँ ऊपर चढ़ा दीजिए, तो b = 10t - 3t² - 3 हो जाता है आपका। अब क्या कहता है कि टाइम t = 3 सेकेंड पर, 3 टाइम जब रहता है तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो t = 3 पुट करके देखते हैं, तो 10 × 3 हो गया, -3 × 3² हो गया, अब -3 हो गया, तो यह 30 हो गया। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -3, तो 30 - 30 = क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। यानी वेलोसिटी आपका 0 मिल जाता है, कब, जब टाइम आपका यह 3 सेकेंड होता है। तो यही चीज़ हमारा प्रूव्ड करना था। इसके बाद बचे हुए प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 2 से 3 वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, है ना, लगातार। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम है, और उसके अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।